नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान वीआईपी लगातार नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर दर्शन किए, जबकि बीते एक साल से गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। दरअसल कल शाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने अपनी पत्नी और अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा महाकाल के दर्शन किए, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में ये तक कहा जा रहा है कि मंदिर में वीआईपी संस्कृति हावी हो रही है, वहीं आम श्रद्धालुओं के लिए नियम सख्त रखे गए हैं। बता दें कि मंदिर के गर्भगृह में किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश पर एक साल से रोक लगी हुई है। सिर्फ पंडित पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति है। वहीं श्रद्धालु शिवलिंग से 50 फीट दूर से दर्शन कर सकते हैं। बावजूद इसके कल शाम 5:38 पर सांसद श्रीकांत शिंदे, उनकी पत्नी और दो अन्य लोग गर्भगृह में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। भगवान महाकाल के श्रृंगार के दौरान चारों ने शिवलिंग के पास बैठकर पूजा की, दर्शन करने के फोटो वीडियो भी सामने आए हैं। इधर महाकाल मंदिर के प्रशासन गणेश ठाकुर ने कहा है कि दर्शन कराने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। ये था आप तक का अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एम्पायर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।